इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से न्यू फॉर्म जारी कर दिया है। 1 अगस्त से आप अपना आधार कार्ड के साथ वोटर आई कार्ड को लिंक कर सकते हैं। आधार कार्ड से वोटर कार्ड लिंक करने से आपको काफ़ी सारे फायदा मिलेंगे। आप आधार कार्ड से वोटर कार्ड लिंक करने के बाद आधार कार्ड के जरिए आप वोटर आई कार्ड को ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, प्रॉब्लम उनको हो सकता है जिनके पास एक से ज़्यादा वोटर आईडी कार्ड है। आज की इस वीडियो में आधार कार्ड के साथ वोटर आई कार्ड लिंक करने की कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूँ। जानकारी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप हेल्पफुल नॉलेज वीडियो मिलते रहे। आधार कार्ड के साथ वोटर आई कार्ड को लिंक करने के लेकर कुछ प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरा इंस्टाग्राम आईडी टेक्निकल मिथुन इंडिया स्क्रीन पर शो कर रहा है, फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आधार कार्ड के साथ वोटर कार्ड को लिंक करने के लिए प्ले स्टोर से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, वोटर हेल्पलाइन। इंस्टॉल करने के बाद आपको सिंपली ओपन कर देना है, आपका एप्लीकेशन को परमिशन दे देना है। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। सबसे पहला एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, वोटर रजिस्ट्रेशन। पहले ऑप्शन में आपको क्लिक कर देना है। नेक्स्ट इंटरफेस इस तरीके से देखने को मिल जाएगा। सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रल ऑथोराइजेशन फॉर्म 6B, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर लेट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे और सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा, यहाँ पर ओटीपी आ चुका है। ओटीपी इंटर करेंगे, वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर दो ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वोटर आईडी कार्ड नंबर पता है तो यस पर क्लिक करेंगे। प्लीज इंटर योर वोटर आईडी नंबर, तो इस बॉक्स में हम वोटर आईडी कार्ड नंबर इंटर करेंगे। सिलेक्ट स्टेट पर क्लिक करेंगे, यहाँ से अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। नेक्स्ट फेस डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका वोटर आईडी नंबर मिल चुका है। नेक्स्ट प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपका पूरा डिटेल्स शो करेगा। यहाँ पर अपना डिटेल्स चेक करेंगे, सब कुछ ठीक है तो नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको नेम, आपका स्टेट और आपके वोटर आईडी नंबर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट थोड़ा सा सेलेक्ट डाउन करेंगे तो यहाँ पर अपना आधार कार्ड नंबर इंटर करेंगे। आधार कार्ड नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पर आपका आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक है, मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी और अपना प्लेस इंटर करेंगे। आपके पास आधार कार्ड है तो बॉक्स में चेकआउट करने का जरूरत नहीं है। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, प्लेस इंटर करने के बाद डन पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इंटरफेस इस तरीके से ओपन हो जाता है। फॉर्म 6B प्रीव्यू के लिए यहाँ पर ओपन हो जाता है। यहाँ पर आपका डिटेल्स चेक कर लेना है, सब कुछ ठीक है तो यहाँ पर कॉन्फर्म पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो प्रोसेस है, प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं, थैंक यू, योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन, यहाँ पर डेट देख सकते हैं। और नीचे देख सकते हैं, योर रिफरेंस आईडी इज ये नंबर है, तो यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये आपको इस नंबर को लिख लेना है, नोट कर लेना है। दोस्तों, यहाँ पर आपका प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है आधार कार्ड के साथ वोटर आईडी कार्ड लिंक करने का। इस वीडियो को आपने बिना स्किप किए कंप्लीट देखा है तो इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपना स्मार्टफोन की जरिए आधार कार्ड के साथ वोटर आई कार्ड को लिंक कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपना फैमिली सर्कल के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले कि किस तरीके से आधार कार्ड के साथ वोटर आई कार्ड को लिंक कर सकते हैं। आपसे फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक अपने ख्याल रखना, सुरक्षित रहना। तब तक के लिए बाय बाय।